हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, स्पेसएक्स, नासा या कोई भी कंपनी हो, क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा मार्स पर ही जाने की बात क्यों करते हैं, वो वीनस पर जाने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वीनस को पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन भी तो कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली हम यही बात करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ अगर आप जान लेंगे तो क्या आप जाना चाहेंगे या नहीं, हमें कॉमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि वीनस क्या है, तो दोस्तों वीनस ग्रह है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में ही है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। वो सुबह और शाम के टाइम में हमें दिखाई देती है, जहां से सन उगता है वहां पर, और जहां पर सन सेट होता है जस्ट उसके ऊपर जो भी हमें सबसे चमकीला चीज दिखाई देता है वो वीनस होता है। और ऐसा माना जाता है कि रात के समय आसमान में सिर्फ दो ही चीज सबसे ज्यादा चमकती है, पहला तो है चांद और दूसरा है वीनस। अब दोस्तों, इसके इतने चमकने की अगर राज मैं आपको बता दूं तो आप चौंक जाएंगे। फ्रेंड्स, इसका जो टेम्परेचर है लगभग वो 450 डिग्री सेल्सियस सिर्फ इसके वायुमंडल और इसके सतह का टेम्परेचर है। वीनस को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट भी माना जाता है। दोस्तों, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप पक्का जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सन का जो 75% लाइट होता है वो वीनस रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी का 25% जो उसके अंदर जाता है वो कभी लौट कर बाहर नहीं आता, और उसका एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि वो कभी उसे बाहर आने ही नहीं देता, इसके लिए वहां का तापमान बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि वीनस पर जाने की कोई बात क्यों नहीं करता। तो क्या आप जाना चाहते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।